लेटली काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास इसलिए तशखीस के लिए आए कि कहीं वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे तो नहीं है. पता ये चलता है कि उन्हें वर्चुअल ऑटिज़म होती है. ये हमारे पास डायग्नोस्टिकली बिल्कुल एक मेडिकल टर्म नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे आ रहे हैं जो वर्चुअली ऑटिस्टिक हैं, जिसका मतलब ये है कि एक्चुअल ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो हैं फीचर्स वो बच्चे मिमिक कर रहे होते हैं. यानी कि सोशल विड्रॉल होता है, पुअर अटेंशन स्पैन होता है, कम्युनिकेशन का इशू होता है, स्पीच डिले होता है, बच्चे बोलना देर से शुरू कर रहे हैं, सिंगल्स वर्ड टू वर्ड्स वो भी अटर करना, उनको बुलाया जा रहा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और वो सोशली उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ये कहीं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम की न्यूरोडाइवर्जेंस तो नहीं है. इसकी एक सिंगल वजह है और वो है स्क्रीन टाइम. काइंडली अपने बच्चों को मोबाइल स्क्रीन्स और वैसे भी दूसरी स्क्रीन्स, लैपटॉप स्पेशली मोबाइल स्क्रीन से दूर रखिए. स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द फैक्ट कि उन्हें मोबाइल स्क्रीन्स नहीं देने, अदरवाइज सारे अबव मेंशन प्रॉब्लम्स आपको बच्चों में नजर आएंगे.